आप कैलेंडर बनाना तो सीख गए, लेकिन उसके बाद हम ये सोचते हैं कि अपने कैलेंडर में किस तरीके का इफेक्ट दें, क्या उसमें ऐड कर दें कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, बहुत ज्यादा ऑड भी ना लगे और अट्रैक्टिव लगे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने ये सोचा है कि आपको मैं एक टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में बताऊं कि जैसे आप कैलेंडर देख रहे हैं कि ये किस तरीके से इसमें टेक्स्ट इफेक्ट दिया गया है, जैसे 2022 लिखा हुआ है, कि कैसे मेटलिक अंदाज में कितने अच्छे अंदाज में लिखा हुआ है और इसी इफेक्ट को कैसे बनाया जाएगा। आप देखिए पलक झपकते ही कैसे बन जाता है ये, आप ध्यान से देखिए इसको। चलिए वीडियो की तरफ। अब हमने लिख लिया ये 2022, फॉन्ट चेंज कर दिया, ये कर दिया अरोयो। पहला स्टेप 2022 लिख लिया, दूसरा स्टेप F12 करेंगे। F12 की आउटलाइन पेन प्रॉपर्टी आ गई। अब यहाँ पे हमने किया 10 कर दिया, 10 या 12 कर सकते हैं, 10 करके देखते हैं। यहाँ बिहाइंड फिल स्केल विद इमेज ये जरूर करना है, आउटलाइन का कलर चेंज कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें करना है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू करने से ये कर्व हो गया, फिर कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर दिया, हमने इसको कर्व कर लिया ना, दोनों को कर्व कर लिया। कर्व करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये फ्री हैंड टूल लेकर के यहां हमने क्लिक किया, फिर थोड़ा सा बढ़ा करके यहाँ क्लिक किया। अब इसको ध्यान से समझिए कैसे बनता है ये। अब इसको हमने नीचे लिए थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा ऊपर, ये ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, F12 दोबारा करेंगे। F12 दोबारा करने के बाद यहाँ पे हमने कर दिया 12 PT, यहाँ 12 PT कर दिया। और यहाँ कैलीग्राफी सेक्शन में आएंगे तो इसको हमने कर लिया 5, और यहाँ पे एंगल में कर दिया -45 डिग्री। अब इसको जानने के लिए, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, इंडियन फ्लैग बना के दिखा रखा है, आप उसको देखिए, उसमें इसका यूज बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है। आप वो वीडियो मेरी जरूर देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसका लिंक, आप जरूर देखिएगा। तो चलिए ओके करते हैं, ओके कर दिया, ठीक है। अब इसका कलर हमने चेंज कर दिया, येलो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ आइए, अब अगला स्टेप क्या है, यहां भी वही प्रोसेस, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर दिया। अब थोड़ा सा अब देखेंगे यहां पे थोड़ा सा कट सा बना हुआ है, यहाँ एक पॉइंट बना हुआ है, यहाँ नोड बना हुआ है। इस पॉइंट को हटाने के, इस नोड को हटाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा इधर चल के एक डबल क्लिक करके यहाँ पे एक नोड बना देंगे। नोड बनाने के बाद ये कस्प लिखा है ना, कस्प नोड, इसको हटा देंगे, मतलब इसको ऑन कर देंगे और इस वाले पॉइंट को डिलीट कर देंगे। थोड़ा सा अपने हिसाब से और एडजस्ट किया जा सकता है, न्यू कर दिया हमने, ठीक है न्यू। बस देखिए एक झटके में कैसे बन जाता है ये। अब भैया ये बन गया, अब इसी को क्या करेंगे, एक बार और क्लिक करेंगे, ये यहां से स्क्यू करते हुए ऐसे नीचे तक लेके आएंगे, और यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके इसको छोड़ दिया, यानी डुप्लीकेट बना दिया, डुप्लीकेट बनाया। अब अगला स्टेप क्या है, ये पकड़िए और शिफ्ट दबाते हुए इस पोर्शन को, यानी जो 2022 लिखा है इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ट्रिम कर दिया, वैसे ही इससे भी ट्रिम कर दीजिए। एक बार इसको ब्लैक वाले को तो ट्रिम कर दिया, लेकिन ये जो आउटलाइनिंग है इसको अभी नहीं किया, तो आउटलाइनिंग वाले को भी कर दीजिए। यहां से यहाँ के आउटलाइनिंग को भी हमने ट्रिम कर दिया, ठीक है ना। अब ये ट्रिम तो कर दिया, अब इसको सेलेक्ट करके ब्रेक अपार्ट कर देंगे। अब चाहे यहां से कर लीजिए, चाहे कंट्रोल के कर लीजिए, ये कर दिया हमने, फिर इसको भी ब्रेक अपार्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट, देखिए कैसे बन गया ये, है ना। अब क्या करेंगे, ये जितने भी ब्लैक पोर्शन है, ब्लैक को ब्लैक में इसको मर्ज कर देंगे, कंट्रोल एल कर देंगे, मर्ज हो गया। इसको भी कंट्रोल एल, सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। अब इसमें क्या रह गया, अब इसमें कलरिंग करना है, ये जो कलर है, अब कलरिंग करने के लिए अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि कैसे कलर किया गया है। डायरेक्ट आप क्या करें कि जी प्रेस कीजिए, जी प्रेस करके इसको सेलेक्ट करते हुए ऐसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हुए इसको यहां तक लेके आइए। अब देखिए अगला पॉइंट, यहां पे आप क्लिक करेंगे, यहां जाएंगे, यहां जाने के बाद इस वाले पॉइंट, जैसे ग्रीन हमें ग्रीन करना है, इसको स्लाइड करते हुए यहां लेके आइए ग्रीन पे, और थोड़ा ग्रीन लुक दे दीजिए यहाँ पे। अब इस पॉइंट को यहाँ पे कर दिया और इसको स्लाइड करके यहां रख दिया, ठीक है। अब इसको चलिए, फिर ये वाला पोर्शन हो गया। अब ये जो ग्रीन है, इस ग्रीन को लाने के लिए फिर हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया, फिर वहीं गए, चलिए आरजीबी, आरजीबी में थोड़ी चमक होती है, यहाँ रख दिया। अब इसको थोड़ा नीचे लाइए,
और फिर इसको यहाँ ले जाइए, डार्क ग्रीन कर दिया। फिर यहाँ पे लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन कर दिया इस वाले पॉइंट के लिए। फिर यहाँ पे हमने नोड बनाया और यहाँ पर डार्क ग्रीन कर दिया, फिर यहीं पे बगल में ही फिर यहीं पे बना दिया, और फिर यहाँ पे लाइट ग्रीन कर दिया, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर दिया। इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ ले आइए। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वही बन गया। इसको रेड में करने के लिए यहां से इसकी कॉपी लेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, यहां जाके एट्रीब्यूट वाला ही ऑप्शन होना चाहिए, कलर आई ड्रॉपर नहीं होना चाहिए बल्कि एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसको यहां से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ 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 डाल दिए। डालने के बाद अब और ज्यादा इजी हो गया ये, क्योंकि एक ही बार आपको दिक्कत होगी। अब यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद क्या करेंगे, फिर वही जी प्रेस किए और यहाँ क्लिक किए, इस स्लाइडर को बिल्कुल यहां लाके छोड़ दीजिए। अब इस स्लाइडर को यहां लाके छोड़ दीजिए, सेम प्रोसेस, कहीं कुछ नहीं करना आपको। लो भैया ये भी तैयार, देख लिए ना, यूं पलक झपकते ही हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ब्लू है, ब्लू के लिए अब ब्लू वाले सेक्शन में चले जाइए, ये स्लाइड करके ब्लू पे लेके जाके रख दीजिए ये, और फिर यहाँ पे चाहे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तब भी हो जाता है। अब भाई देख लीजिए ब्लू भी हो गया। पर्पल में करने के लिए इसको यहाँ, यानी ये ब्लू और मैजेंटा के बीच में इसको रख दीजिए। भाई साहब देख सकते हैं क्या जबरदस्त इफेक्ट आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट वही। अभी आप इसको ब्लैक कलर पे, ब्लैक बैकग्राउंड पे रखेंगे ना, तब वो लुक आएगा। अब रह गया ये आउटलाइन में कलर देना। आउटलाइन में कलर देने के लिए हमने क्या किया, सेम वही प्रोसेस। अब यहां पे गए, यहां पे जाने के बाद इसको, ये रेड और ये येलो है तो थोड़ा सा येलो की साइड में लेके जाएंगे, और इसको थोड़ा सा हमने यू कर दिया डार्क, ठीक है, डार्क कर दिया। फिर अब यहां पे एक पॉइंट बना देते हैं, यहां पे क्या करेंगे, फिर इसको येलो की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा सा येलो कर दिया हमने। फिर यहां पे क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस, थोड़ा सा डार्क कर दिया, या थोड़ा सा रेडिस, रेडिस के लिए नीचे थोड़ा सा स्लाइड कर देंगे, रेडिस हो जाएगा। अब इसको भी थोड़ा सा लाइट कर देंगे, लाइट के लिए ऊपर लेके गए, यहाँ क्लिक कर दिए। अब फिर इसको नीचे लेके आएंगे, थोड़ा सा इसको रेडिस जाने दीजिए, है ना, रेडिस कर दिया, या थोड़ा सा ऊपर, ये अब यहाँ थोड़ा सा लाइट कर दिए। इसमें थोड़ा सा यूं पास नजदीक ऐसे कर करके इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे ना, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। तकरीबन ये आपका बनके तैयार हो गया। हो गया, अब इसको क्या करेंगे, यहां से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसमें कॉपी करके उसमें डाल दिया, यही प्रोसेस इसमें भी कर देंगे। इसमें करने के बाद अब क्या करना है, देखिए इसका इफेक्ट किस तरीके से दिख रहा है। इस इफेक्ट को ऐसे ना करके, सॉरी, अब इसको हमें ऐसे ले लेना है, यहां से यहां तक, है ना। उम्मीद है ये भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कैसे किया गया है, ये ऐसे कर दिया। फिर यहां से भी इसकी कॉपी करके इसमें आप डाल दीजिए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनके आपका तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से ये वाला पोर्शन बना लेते हैं, हैप्पी न्यू ईयर लिखा है, उसको लिखने के लिए हमने क्या किया था, यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं और वही यहां भी ड्रॉ कर लेते हैं ये, और ये हम गए स्मार्ट फिल टूल, यहां हमने एक कॉपी ले लिया, आप समझ गए होंगे मैं क्या क्या कर रहा हूं ना, और इसको आउटलाइन, हेयर आउटलाइन दे दिए। फिर अब एक यूज इसका भी आ गया, क्या है, कंटूर, कंट्रोल टूल जाके ऐसे करके थोड़ा सा इसमें स्पेसिंग देना है, कहने का मतलब इसका थोड़ा सा छोटा बनाना है। छोटा बना के हमने ऐसे रख लिया और इस पोर्शन को रखना है और लिख दिया हैप्पी न्यू ईयर, और अपर केस में कर दिया। ये मालूम है आपको अपर केस मैंने कैसे किया, शिफ्ट F3 से अपर केस होता है, और फॉन्ट, ये फॉन्ट हमने चेंज कर दिया। अब इसमें इसको फिट कीजिए, इसमें फिट करने के लिए यहां पे जाएंगे इफेक्ट में, इनवेलप,
पे जाएंगे या कंट्रोल एफ सेवन, कंट्रोल एफ सेवन करके मैंने पहले से रखा है, अब यहाँ इसको क्लिक कीजिए, यहाँ ये सिलेक्ट करके इस पे आप सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ये इसी शेप में अपने आप बनकर तैयार हो जाता है। ये वीडियो देखने के लिए कि कैसे इसके बारे में डिटेल से समझने के लिए, इस पर भी एक वीडियो बना रखा हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा। बहुत अच्छे अंदाज में मैंने सारा चीज बता रखा है। इसके बीचों बीच में लाके यहाँ पे फिट कर देंगे और इसको हटा लेंगे और यहाँ इसको ब्लैक पे रखेंगे। अभी फिलहाल कोई कलर कर देते हैं। ये मोस्टली बन के आपका बिल्कुल एग्जैक्ट तैयार हो गया है। इसको हम साइड में रखते हैं। साइड में रखने के बाद इसकी कॉपी लेकर के इसको अलग से ये बैकग्राउंड हम ले लेते हैं। बैकग्राउंड हमने इसे बना रखा है ब्लैक कलर में, थोड़ा सा ये शेड दे रखा है पर्पल शेड में, तो आप जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम रखते हैं, रख लिए। अगर आपको लगे कि इसमें जो है जैसे इसमें ज्यादा येलोपन है, येलोइश है, तो इसमें भी आप येलोइश कर सकते हैं। उसको करने के लिए फिर वहीं पे आप जाएंगे, येलोइज भी दे सकते हैं कहीं कहीं पे। येलोइज देने से क्या होता है, लेकिन उसमें जो है ना यही चीज होता है कि सीएमओआई के में जाके करना पड़ता है, क्योंकि सीएमओआई के ज्यादा आसान होता है, आरजीबी के मुकाबले ज्यादा आसान होता है कलरिंग करने में इस तरीके का इफेक्ट। तो यही आप कॉपी करके उसमें भी डाल सकते हैं। अब अगला प्रोसेस, इसको कॉपी ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद कंट्रोल होल्ड रख करके इसको नीचे लेके आया, यहाँ पे कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, ऑल्ट बी करके यहाँ जाएंगे, ऑल्ट बी किया, ये देख लीजिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ये जरूरी है, और सीएमआई के कीजिए या आरजीबी ही रहने दीजिए, आरजीबी में थोड़ी चमक होती है, आरजीबी में ही कर दिया। अब इसको ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, ट्रांसपेरेंट ऐसे, सॉरी इधर से लाना था, हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया है ना, ये अब देखिए इसकी चमक। और अब रह गया ये जो बना हुआ है, ये स्पार्कल जो बना हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे, जो सितारे बने हैं ये, भाई बहुत ही जबरदस्त तरीका है इसका, एक झटके में ये भी बन जाता है। लेकिन आपको नेट से कोई ऐसी फाइल ढूंढ के लानी पड़ेगी, जैसे ये है, ये एक बिटमैप इमेज है, ये देख रहे हैं ना, ये बिटमैप इमेज है। इस बिटमैप को क्या करना है, आपको नेट से लेना है, मैं नेट से लिया हूँ ये। नेट से लेने के बाद क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी वाले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है कि कैसे कैसे होता है, इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं, उसको आप जरूर देखिएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दिया हूँ। यहाँ जाएंगे, ये है क्या, ट्रांसपेरेंस, ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे, स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद यहाँ जैसे बैकग्राउंड पे रखेंगे इसको, देखिए कैसे चमक रहा है, और यहाँ रखेंगे तो गायब हो जाएगा, इसको बैकग्राउंड पे रखेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ जाएगा, ये एकदम बेहतरीन आ जाएगा, ये क्या जबरदस्त लग रहा है। जरा से कोई मेहनत नहीं लगी, सिर्फ आपको नेट से ये चीज लेकर के और फट से इसको आप अपने डिजाइन में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका बन के बिल्कुल तैयार हो गया, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी, और आप बना करके आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि ये आपसे सही से बन पाया या नहीं बन पाया, या कैसा बना है आप मुझे जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए शुक्रिया, थैंक यू।